अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तैयबा फराज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं ड्रामे का मुतवक्का एंड क्या होगा, आज आप इसका सेकंड लास्ट एपिसोड देखेंगे जिसमें आपको दिखाया जाएगा ये एंड जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए इसका मुतवक्का एंड इस वीडियो में होने वाला है। सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर लॉन्च हो चुका है जो आज लॉन्च होगी और खास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद काफी ज्यादा पिक्चर चेंज हो चुकी है। अब किस तरह से इस ड्रामे का एंड हो सकता है, क्या दिखाया जाएगा आज की एपिसोड में, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। फिर जो ब्रेक हुई सेलिब्रेट को मिलेगा और ये जो सीन क्रिएट किया गया है इन चार पांच कैरेक्टर्स का, दैट वाज सो नेचुरल। हम स्टोरी की तो हमेशा बात करते हैं लेकिन एक्टर्स को और खास तौर पे डायरेक्टर को भी प्रोड्यूस कर मिलेंगी। जाकर खरीद कर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। भाई सबसे पहले तो जिस टाइम जैद मियां वापस आते हैं और उसी टाइम आ जाती है आयरा और ये जो सीन क्रिएट किया गया है इन चार पांच कैरेक्टर्स का, दैट वाज सो नेचुरल। हम स्टोरी की तो हमेशा बात करते हैं लेकिन एक्टर्स को और खास तौर पे डायरेक्टर को भी प्रोड्यूस करना चाहिए कि जिस तरह से इतना अच्छा सीन कैप्चर किया, दैट वाज सो नेचुरल इंटरेस्टिंग। खास तौर पे जो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज दिखाई गई हमारे जैद की लेटेस्ट एपिसोड में, दैट वाज वेरी थ्रिलिंग एंड काइंड ऑफ डेंजरस। वही फीलिंग दे रहा था जो तेरे बिन ड्रामे के अंदर देता, हमें तो मुर्तसी में एक दफा से ना याद आ गया। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करो वो सारे पॉइंट हुए हैं लेटेस्ट एपिसोड में जो मैं पिछले रिव्यू में कह रहा था कि घर के मुलाजिमों से पूछे, सीसीटीवी कैमरास को चेक करे, बट अंकल आसिफ जो है ना वो बड़ा क्लेवर है, उसने इतने आसानी से क्लूज तो नहीं छोड़े होंगे पीछे। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत सारे लोग जैद को क्रिटिसाइज करने लग रहे हैं कि क्या मुबशरा उसकी बीवी नहीं है, वो मुबशरा के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा, वो मुबशरा के ऊपर क्यों इस तरह से कह रहा है कि मैं बर्बाद कर दूंगा दिस एंड दैट, और वो ये क्यों कह रहा है कि आयरा जो है मैं सिर्फ उसकी सुनूंगा। आप लोगों ने गौर नहीं किया ये सीन जहां पर उसको ऑलरेडी रिंग मिल जाती है, मे बी ये रिंग है यहाँ पर आयरा की या फिर ऐसे में उस इंसान की जो इसके साथ अटेम्प्ट करने लग रहा था। तो ये वो पहला पॉइंट था जिसकी वजह से उसका जो शक है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में बदला, उसको एक प्रूफ तो पहले ही मिल गया जब वो कमरे के अंदर एंटर हुआ। अब वो मजीद खोज चूंके लगा रहा है लेकिन एक इतना बड़ा पॉइंट उसको मिल चुका है तो वो इसलिए आयरा की तरफदारी कर रहा था और आप लोग हमें गुस्सा करी जा रहे थे कि भाई क्यों जैद जो है वो इतना आयरा का ख्याल कर रहा है, जबकि डेफिनेटली उस एंड से देखा जाए तो आयरा भी कोई दूध की धुली तो है नहीं। इस लेटेस्ट एपिसोड में जहां पर आयरा आकर कहती है कि क्या आपके अब्बा मियां ने ये आपको कहानी सुनाई है कि मुझे इन्होंने इतना अरसा दो तीन दिन जो है वो कमरे में बंद रखा, पहले तो मोहतरमा तुम वो कहानी सबको सुनाओगी कि जिस तरह से तुमने एक फेक यहाँ पर बैठे बिठाया तुम्हें उंगल हो रही थी कि हाँ भाई मैं खातून को यहाँ पर आसिफ अंकल की बेगम बनाकर लेकर आऊं और वो सारा टोपी ड्रामा करूं, तो वो बंदा ऑलरेडी जो इतनी मुश्किल से तुम्हें घर में बर्दाश्त कर रहा था, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि वो सारा टोपी ड्रामा करने की, तुम्हें चाहिए था कि स्टोरी तुम स्टार्ट करती जहां से एक्चुअली में सारा माजरा स्टार्ट हुआ अपनी गलती को एडमिट करके, लेकिन नहीं भाई हमेशा की तरह आयरा ने तो भारों पे चढ़ना है यहां पर, नहीं मेरी बात पर फौरन से यकीन कर लो वरना मैं तो घर का दरवाजा भी नहीं खोलूंगी। तो आयरा का भी जो बिहेवियर है स्टार्टिंग से वो बहुत ही ज्यादा, मतलब मान लो कि बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं रहा, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझती। मुबशरा ऑन दी अदर हैंड अगर ये कह रही है कि भाई मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट करती हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तो तुम इसको सच्चाई क्यों नहीं बता रही कि जब तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है, तुम्हारे भाई ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अंकल आसिफ ने जो आयरा है उसको कमरे में बंद करके रखा था, मैं सिंपैथी की बेस पर गया और जाकर फिर मैंने वो जो सारी आगे से उसने कहानी सुनाई। तो एक चीज तो मुबशरा को क्लियर हो गई है ना कि हाँ अंकल ने वाकई आयरा को बंद करके रखा था, तो इस एंड पे आयरा ठीक है। अगर ये वाकई इतनी अच्छी हो चुकी है और जैद का साथ देना चाहती है तो जैद को ये बात तो बता सकती है कि हाँ मेरे भाई ने ये बात एडमिट की है, दैट मींस कि आपके पप्पा मियां ने। अगर ये पॉइंट कहते हुए आपको मुबशरा को दिखाया जाता तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, एक करेक्टर तो बड़े आराम से क्लैरिफाई हो जाता कि हाँ वो ठीक है। मैंने जो ट्रेजिक एंड का वर्ड यूज किया वो इसलिए क्योंकि अब मुझे चीजें बड़ी डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुबशरा ने भी अपने पैरों पर पानी नहीं डलने दिया। आयरा ऑन दी अदर हैंड ठीक है, वो उसके साथ गलत हमेशा होता रहा है लेकिन वो खुद भी कोई दूध की धुली नहीं है, वो बड़ी चवल मारती रही है हमेशा कोई ना कोई। आसिफ अंकल तो बताने की जरूरत नहीं है, रेयान का करेक्टर आपके सामने है और कशमाला एक इंतहाई सेल्फिश जिसको सिर्फ अपना रिलेशन नजर आता है, बाकी सब भाड़ में जाए, तो कहीं ना कहीं सबके साथ एक मैं जुड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो भैया ये जो
धमकी लगाई है इसने एम्प्लॉय को कि भाई अगर तुम अपने वालिद साहब का जो भी ऑपरेशन चल रहा है वो चलते रहना देना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो तो डाटा को रिकवर करो। तो डाटा अगर रिकवर करके दोबारा से अगर इसको लेटेस्ट एपिसोड में दिखा दिया जाएगा कि हाँ भाई क्या कुछ होता रहा, क्योंकि इतने बड़े घर में मतलब आजकल तो छोटे छोटे घरों में भी सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, कदा हाल में लगा होते तो इतना बड़ा जो बंगला है वहां पे तो सीसीटीवी कैमराज की बुछाड़ होगी, तो वो सारी चीजें जब सामने आएंगी हमारे जैद के लिए तो वैसे ये भी प्रूफ काफी था कि हाँ उन स्पेसिफिक डेज का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे अब्बा मियाँ सच्चे होते तो वो कभी भी रिकॉर्ड्स गायब ना करवाते, तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में क्लू है। तो वो क्या करेगा यहाँ पर जब डाटा उसको रिकवर होकर मिलेगा उसमें नजर आ जाएगी सारी चीज की, अच्छा किस तरीके से अंकल ने जो है वो बंद करके रखा था। तो हो सकता है कि इसके बाद इस सीसीटीवी मिलने के बाद जैद जो है ना वो सीधा अपने बाप के सामने और अपने बाप से पूछे कि क्यों किया आपने ऐसा, तो वहां पर वो कह सकता है कि हाँ वो मेरी नाक में दम करके रखा था उसने, वो मेरे सामने मेरी बेगम ले आई थी। तो इस पॉइंट पर आपको हो सकता है दिखाया जाए जैद थोड़ी तरफदारी करे कि आपने उसका भाई मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो रिवेंज में आकर अगर उसने किसी को आपकी बेगम बना दिया तो कौन सा इतना बड़ा जुर्म था जिसकी सजा आपने इतनी ज्यादा दी, उसको इतने दिन कमरे में बंद रखा, उससे सेलफोन ले लिया और तो और आपने एक इंतहाई घटिया इंसान हमारे घर में अलाउ किया और आप उसको डिफेंड कर रहे हो, शेम ऑन यू। इस तरह की बातें जब वो अपने बाप को करेगा तो बाप के का दफा दफान हो जो इस घर में, मुझे भी तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, मैं थक गया हूं तुम्हारी लड़ाई लड़ते, तुमने घर बसाना है तो बसाओ, नहीं बसाना तो ना बसाओ मेरी बला से। इस बात के बाद हो सकता है कि यहां पर मुबशरा के सामने जाए और मुबशरा से पूछे कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, तुम्हें तो पता था तुम्हारे भाई का। और हो सकता है कि मुबशरा इस पॉइंट पर अगर अपने आप को चेंज नहीं करेगी, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगी और लड़ेगी आगे से, अपना पुराना एग्रेशन दोबारा लेकर आएगी, वो जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मुबशरा हो सकता है कि लास्ट एपिसोड में जाकर सुसाइड कर ले, वो हो सकता है, क्योंकि भाई मुबशरा के अंदर कहीं ना कहीं लेटेस्ट एपिसोड में फिर से गुस्सा देखा गया है, पर्सनैलिटी उसकी बिल्कुल भी वैसी चेंज नहीं हुई जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर राइटिंग उस तरह की हुई होती तो होनी चाहिए थी, बिकॉज इट्स अ नेचुरल कि जहां पर अगर आपने अपने अंदर कोई चीज अब्रप्टली चेंज लाई हो तो आपके अंदर चेंज आ जाता है। तो मुबशरा के हवाले से डाउटफुल हूं, बट ट्रेजिक एंड डेफिनेटली होगा अगर आपको आज की एपिसोड में भी इसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज देखने को नहीं मिलती। अगला पॉइंट है, चूंकि भैया रियान की और कश्माला की बात की जाए तो रियान के ऊपर तो सीधा सीधा केस बनता है अटेम्प्ट का, और उसके बाद उसको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, उसकी फैमिली की जो इज्जत है वो खाक में मिल जाएगी, कश्माला सॉरी रोते रोते घर वापस आ जाएगी, एंड दैट्स व्हाट शी डिजर्व। मतलब शी इज अ वेरी सेल्फिश गर्ल, आई डोंट नो लोगों को इसका करेक्टर भी क्यों अच्छा लगा, जो सिर्फ अपने आप को देखती है किसी और को नहीं देखती, तो ऐसा इंसान फैमिली के अंदर कभी भी सही तरह से अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता। आसिफ अंकल अकेले रह जाएंगे, जो कुछ वो करते फिर रहे थे अपनी दौलत की खातर उनका साथ कोई भी नहीं देगा। और लास्ट में आपको दिखाया जा सकता है कि इस सब के बाद, इस सब चीजों से लड़ने के बाद जब हमारा जैद मियां हो सकता है कि अपनी आयरा के पास वापस जाए, तो आयरा उस टाइम तक मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड हो कि अब वो चाहे कुछ भी हो जाए बाहु कैन क्रूक, वो नहीं वापस आने वाली जैद की तरफ, और वो ये घर ये सब कुछ छोड़कर चली जाएगी और जैद हमारा अकेला रह जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि इस ड्रामे का ट्राई। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मैं ड्रामे का मुतवक्का एंड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।